हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से जो पे लेटर का सुविधा है या फिर लोन जो आपने पर्सनल लोन ले लिया है, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते तो फिर आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और अगर आप लोग बिल्कुल भी पे नहीं करते तो फिर क्या होगा। वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात करते हैं कि क्या ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 100% रियल एप्लीकेशन है और RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोग इससे कोई भी लोन लेंगे तो फिर वो आपके सिविल में भी शो होगा, और अगर टाइमली पेमेंट कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, और अगर टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल स्कोर काफ़ी लो हो जाएगा। और अगर आप लोग लंबे समय तक रिपेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ में और क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगे ये आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तो सबसे सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि जो आपका लोन का अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी अगर आपने 10,000 का लोन लिया था तो वो अब 20,000 का बन जाएगा। और इसके बावजूद आपको कॉल्स, मैसेजेस और डेली आपको बार बार नोटिस भेजा जाएगा कि आपका जो लोन है वो ड्यू है और उसको जल्द से जल्द रिपेमेंट कर दीजिए एज अ मैसेज में, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान ये देना कि कोई भी कंपनी अगर आपको लोन देती है तो अपने रिस्क पे लोन देती है, पर्सनल लोन। अगर आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पाते तो फिर वो कंपनी को लॉस हो जाता है। तो कंपनी चाहती है कि उसको कम से कम लॉस हो, इसलिए वो आपसे लोन का रिपेमेंट कराना चाहती है। और आप लोग का भी सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि आप लोग लोन का रिपेमेंट टाइम पर कर दें। और अगर किसी भी कारण से या पर्सनल कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका सिविल स्कोर होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया जाएगा। और सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। अगर आप लोग को लोन चाहिए या फिर कहीं पे जॉब चाहिए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है सिविल स्कोर। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या एजेंट आएंगे, क्या नोटिस आएगा। तो जो नोटिस तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, और अगर नोटिस आता है तो वो नोटिस रियल नोटिस नहीं होता, वो एप्लीकेशन की तरफ से एज अ रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है कि आपका लोन ड्यू है, उसको आप लोग रिपेमेंट कर दीजिए नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 3 नोटिस आपको हर 3 महीने पर भेजा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एजेंट के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि एजेंट क्या घर पे पहुंच जाते हैं कि नहीं आते हैं। तो दोस्तों, एजेंट्स के आने के चांसेस ना के बराबर है। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें कि इस एप्लीकेशन की तरफ से, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की तरफ से कोई भी एजेंट आपके घर तक आया हो। तो इसलिए आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग लोन नहीं पे करना चाहते तो नहीं भी पे कर सकते हैं, लेकिन फिर इन फ्यूचर में आपको और अदर लोन्स नहीं मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।